आज हम सभी बहुत ही पवित्र सात्विक आध्यात्मिक और परमपिता परमेश्वर की विशेष कृपा हम सबके ऊपर बन रही है। आज धरती जल से आच्छादित हो रही है। आज धरती माँ भी हम सब के लिए आशीर्वाद दे रही है। ऐ आर्य पुत्र, ऐ भारत पुत्र, ऐ भारत पुत्र, आप सभी ज्ञानी बनो, आप सभी एक आदर्श मानव का जीवन स्वरूप स्थापित करके समाज के लिए काम करो, राष्ट्र के लिए काम करो। तो आज हम सभी राष्ट्रीय चेतना के साथ राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का संकल्प लेते हुए कपालभाति का 15 मिनट का अभ्यास करेंगे। तो आइए वेगात्मक रूप से सांस को नासिका से बाहर फेंकेंगे और पूरा पेट का इलाका अंदर जा रहा है। तो आइए इसी अभ्यास को करते हैं। जब सांस को बाहर फेंकिए तो ओम 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 का मानसिक जप करिए और ध्यान अपने पिता, अपने माँ, अपने गुरुओं के प्रति, आप जिस संस्था से जुड़े हैं, आप जिस संप्रदाय से जुड़े हैं, आप जिसको भी गुरु मानते हैं, उसी गुरु का ध्यान करके। एक होता है सबका गुरु परमपिता परमेश्वर और एक होता है उसके नीचे वाला जो अलग अलग संप्रदाय के हिसाब से हमारा जो ज्ञान वर्धन करता है उसको गुरु मानते हैं। तो आप अपने गुरु का ही ध्यान करते हुए आप सांसों पर ध्यान टिकाएंगे ताकि आपका जिसे गुरु मानते हैं उसमें कहीं कोई खंडित भाव ना हो, अखंड भाव से निर्वाध रूप से आपका यह प्राणायाम चलता रहे।
हटाते हैं तो पूरा दाग नजर आते हैं। दाग हटाते जाए पुनः पुराना वाला दाग नजर आता जाए, लेकिन यह बार बार संकल्प बार बार आप प्रायश्चित करते हैं अपने गलतियों का, तो एक एक विकार धीरे धीरे हमसे दूर होते चले जाते हैं और हम कभी 100% शुद्ध हो जाते हैं। बार बार कोई सामान खरीदते हैं तो मन में भाव कि सामान शुद्ध हो, मिलावट नहीं हो, लेकिन हमारा खुद का जीवन अशुद्ध है, हमारा जीवन मिलावटों से भरा पड़ा है। अभी करीब 5 मिनट हुआ है, 4 मिनट अभी 11 मिनट और करना है, तब जाकर के आप लाभकारी अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। 6वें मिनट से ये प्रारंभ होता है कपालभाति। जब जब ये क्रिया योग करेंगे, क्रियात्मक रूप से अपने भीतर अभ्यास करेंगे, तो आपके सिस्टम में बदलाव शुरू होगा, आपके अंगों में जागृति आएगी, आपके सेल्स आपके कोशिकाओं में जागरण होगा, आपके शक्तियों में सात्विक राजसिक और तामसिक शक्तियों में एक दिव्य चेतना का भाव जगेगा। प्राण का झोंका